नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। मीडिया इंडस्ट्रीज के जाने माने चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर आते रहते हैं। वो जब भी मोदी सरकार के कामकाज में मीन में निकालते हैं तो मोदी समर्थक बुरी तरह भड़क जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जहाँ पत्रकार रवीश कुमार ने कश्मीर राग छेड़ दिया। दरअसल घाटी से जब से अनुच्छेद 370 की विदाई हुई है तभी से रवीश कुमार कश्मीर की समस्या उठाने के बहाने लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते रहे। इस बार उन्हें कश्मीर के पंडितों की याद आ गई और उन्होंने फेसबुक पर कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर एक पोस्ट शेयर कर दिया। इसी पोस्ट से मोदी समर्थक बुरी तरह भड़क गए। रवीश कुमार ने क्या लिखा? पत्रकार रवीश कुमार ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, घाटी के कश्मीरी पंडितों के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। इस खबर के मुताबिक जो कश्मीरी पंडित तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए घाटी में ही टिके रहे उनकी हालत खराब। ऐसे कश्मीरी पंडितों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष 3 दिनों से हड़ताल पर। उनका कहना है कि धारा 370 के हटाने के बाद घाटी में जो तालाबंदी हुई उससे उनके लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। अदालत ने कई बार आदेश दिए हैं कि घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को नौकरी दे मगर सरकार सुन नहीं रही। 808 सदस्यों में 500 बेरोजगार। रवीश कुमार ने आगे लिखा, न्यूज 18 की इस खबर के अनुसार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल को सैकड़ों पत्र लिखने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। संजय टिक्कू का कहना है कि बीजेपी उन्हें भूल गई। अगर सिर्फ 500 के रोजगार की बात है तो सरकार को ये काम एक दिन में कर देना चाहिए। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही वादा किया था कि वो कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाएंगे, लेकिन जो फिलहाल घाटी में रह रहे हैं उनकी हालत बेहद खराब बताई जा रही। इसी मुद्दे को उठाते हुए रवीश कुमार ने फेसबुक पोस्ट लिखा तो सुमित राठौर नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा, वाह, कश्मीरी पंडितों के बारे में पहली बार चिंता आपके श्रीमुख से, पर उनकी फिक्र को थोड़ा और बड़ा करें और जमीन जायदाद से बेदखल कश्मीरी पंडितों की आवाज उठाइए और उन्हें उनकी खोई जगह रोजगार दिलाने की आवाज उठाई और उनके साथ हुए अत्याचार के लिए जो दोषी थे उनकी कड़े शब्दों में निंदा भी रखिए। फेसबुक यूजर पीके ठाकुर ने लिखा, अच्छे पत्रकार होते हुए भी आप अच्छे नहीं हो पा रहे। व्यक्ति के ऊपर भोजन, रहन सहन और सोचने की शक्ति का असर होता है। अभी भी समय है, सही दिशा में पत्रकारिता कीजिए। मोदी विरोध के कारण खुद को राक्षस नहीं बना लीजिए। लोग आपको कम और आपके पत्रकारिता से ज्यादा प्रभावित। हिमांशु इंदिरा नाम के यूजर ने लिखा, चलिए आपने बहुत अच्छी बात आज लिखी, अब बस आप हर रोज प्राइम टाइम पर कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को नरसंहार घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं और हो सके तो उनके साथ जो हुआ उन सभी जघन्य अपराधों को कोर्ट ट्रायल तक ले जाएं। वैसे आशा तो नहीं है कि आप ये बात करेंगे, पर क्या पता आप इतनी हिम्मत दिखा दें। लोग कहते तो हैं कि आप बहादुर आदमी, बस इस विषय पर बहादुरी दिखाएं तब मैं मोदी सरकार का साथ छोड़ दूंगा। अरविंद कुमार पांडे ने लिखा, इस पोस्ट की वजह कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति नहीं बल्कि इस चिंता में मोदी सरकार की आलोचना छुपी। कश्मीरी पंडितों का ये हाल किसने किया उस पर कब लिखेंगे मिस्टर रवीश कुमार? मजहबी चरमपंथ की वजह से यह हाल हुआ। हाँ, मोदी सरकार को कश्मीरी पंडितों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे तमाम कमेंट्स रवीश कुमार के कश्मीर वाले पोस्ट पर आ रहे हैं। मोदी समर्थक उन्हें बुरी तरह ट्रोल करने में जुटे हुए, लेकिन ऐसी ट्रोलिंग से बेखबर रवीश कुमार लगातार देश के मुद्दे उठाते रहते हैं। अभी गुरुवार को ही रवीश कुमार ने भारत बंद करने जा रहे किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र लिखा और इसे ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण से जोड़ते हुए लिखा कि उन्हें डर सता रहा है कि दीपिका की खबर के आगे कहीं 25 सितंबर को होने वाले भारत बंद की खबर दब ना जाए। इसीलिए उन्होंने लंबे चौड़े पत्र में तंज मारते हुए लिखा कि मेरा काम सरकार के अलावा आपकी गलतियां भी बताना। आपने 25 सितंबर को भारत बंद का दिन गलत चुना। 25 सितंबर के दिन फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बुलाई गई। उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशा सेवन के एक अति गंभीर मामले में लंबी पूछताछ करेगा। जिन न्यूज चैनलों से आपने 2014 के बाद राष्ट्रवाद की सांप्रदायिक घुट्टी पी है वही चैनल अब आपको छोड़कर दीपिका के आने जाने से लेकर खाने पीने का कवरेज करेंगे। बता दें 25 सितंबर को जहां किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया तो वही उसी दिन दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती पहले से ही सलाखों के पीछे, वहीं रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होनी है।